हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं आपके साथ चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों देखिए ये आइसक्रीम कितनी क्रीमी बनी है। इसको हमने सिर्फ 10 रुपये से बनाया है और बिना हमने किसी व्हिपिंग क्रीम, बिना कंडेंस्ड मिल्क और बिना ही हमने इसको बनाया है चॉकलेट के। तो आज की रेसिपी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये आइसक्रीम दोस्तों आपको बाजार के से आइसक्रीम से भी अच्छी लगेगी। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कुक विद पैशन में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज की आइसक्रीम बनाएंगे हम बिस्किट से। तो यहाँ पर दोस्तों आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले लें। मैंने एक पैकेट लिया है 10 रुपये वाले चॉकलेट बिस्किट का। और सबसे पहले मैंने इसको रफली तोड़ लिया है और इसको हम मिक्सर जार में डाल के इसका एक फाइन सा पाउडर तैयार करेंगे। तो देखिए इसका पाउडर मैंने तैयार कर लिया है। तो चलिए इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये पाउडर तैयार है, इसे हम एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, गैस पर मैंने एक पैन रख ली है। तो इस पैन में सबसे पहले हम 1 कप दूध ऐड करेंगे। दूध जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा दोस्तों, हम इसमें ऐड कर देंगे लगभग 3 चम्मच के करीब चीनी। और इसके साथ साथ दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है दोस्तों। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कोको पाउडर डाला है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे दोस्तों आइसक्रीम का थोड़ा सा एक्स्ट्रा चॉकलेटी फ्लेवर बनेगा। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल लें। तो देखिए कोको पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे बिस्किट का पाउडर। तो ये बिस्किट का पाउडर जो हमने अभी तैयार करके रखा था, इसको हम इसमें डाल देंगे। इस दौरान दोस्तों हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रखेंगे और साथ ही इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि ये मिक्सचर दोस्तों फटाफट से गाढ़ा होता जाएगा। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो है पैन पे चिपके ना। तो देखिए मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा थिक होना शुरू हो चुका है। 1 से 2 मिनट हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे और फिर हम फ्लेम को दोस्तों बंद कर देंगे। तो देखिए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको अभी हमें 1 से 2 मिनट, क्योंकि अभी पैन जो वो गर्म है, इसको ऐसे ही हम मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना बने। तो ये मिक्सचर दोस्तों हमें 1 से 2 मिनट ऐसे ही लाते रहना है और इसको फिर हमें बिल्कुल ठंडे होने के लिए छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पर। और फिर जब ये रूम टेम्परेचर पर दोस्तों आएगा, नेक्स्ट प्रोसेस हम फिर करेंगे। तो फिलहाल इसको रख दें आप ढककर, जब तक कि ये अच्छे से ठंडा ना हो जाए। तो देखिए दोस्तों 1 घंटा मैंने मिक्सचर को अच्छे से ठंडा कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो चुकी है। ये पहले से थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है। इसे अभी हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल के फेंट लेंगे। आप चाहें तो इसको किसी मिक्सर के जार में डाल के भी मिक्सर में इसको आप बीट कर ले, ताकि ये जो मिक्सचर है वो और भी क्रीमी हो सके। मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से मिक्स कर रही हूँ। आप इसको मिक्सी के जार में भी इस तरह से बीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मिक्सचर हमारा देखिए कितना क्रीमी बन चुका है और ये अब बिल्कुल तैयार है। हमारा आइसक्रीम का बेस बन चुका है जमने के लिए। तो देखिए कितना इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी बना है। तो अभी हम इसको किसी टिन में डाल के जमा देंगे। तो मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम का टिन लिया है। आप किसी भी डिब्बे में डाल के इसको जमा सकते हैं। तो सारे मिक्सचर को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे टिन में। तो देखिए इसको ऊपर से हम ढक देंगे। अगर आपके यहाँ ढक्कन ना हो आपके पास, तो आप एल्युमिनियम फॉइल से भी ढक दें। और 8 से 10 घंटे बाद हम इसको चेक करेंगे। तो मैंने इसको 8 से 10 घंटे जमा लिया था फ्रिज में। तो ये आइसक्रीम दोस्तों बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। तो चलिए स्कूप की मदद से इसको बाउल में निकाल लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों कितनी क्रीमी आइसक्रीम हमारी बनके तैयार हुई है। यकीन मानिए दोस्तों इसका टेस्ट जो है वो बाज़ार की आइसक्रीम से भी अच्छा बनता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भी नहीं पड़े हैं। तो नेक्स्ट टाइम से दोस्तों इस आइसक्रीम को आप ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल कुक विद पैशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।